हरिद्वार के भाद्राबाद में मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला फूका और किसानों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। यूपी दिल्ली बॉर्डर पर किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस अब सड़कों पर उतर आई है। जनता पार्टी मोदी जी की सरकार ने, राज्य और केंद्रों की सरकार ने जो किसानों का उत्पीड़न मचा रखा है, जो उसके खिलाफ जो किसानों ने आवाज़ उठाई और वो दिल्ली में किसान घाट पर अपनी मांगों को लेकर जा रहे थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ, उन पर अत्याचार हुआ, उनकी पिटाई की गई, उसके विरुद्ध आज हमने सभी किसानों ने भाद्राबाद के काली मंदिर के चौक पर सभी कांग्रेस और किसानों ने मिलकर मोदी सरकार का पुतला फूंका है और आह्वान किया है कि यदि अन्नदाताओं पर इस प्रकार जुल्म होता रहेगा तो किसान खामोश नहीं बैठेगा। यदि किसानों पर अत्याचार बंद नहीं करेंगे तो 2019 में ये किसान मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन। मोदी सरकार ने पुलिस द्वारा लाठी बरसाई किसानों पर, इस विषय पर लेकर आज मोदी सरकार का पुतला फूंका गया। यदि मोदी सरकार ऐसे ही करती रहेगी तो आने वाले 19 इनको जो है बहुत बुरा अंत देखना पड़ेगा। मोदी सरकार को जाना होगा, निश्चित जाना होगा। मोदी सरकार अगर ऐसी जनता पर प्रहार करती रही तो मैं कहता हूँ मोदी सरकार का निश्चित है।